नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत CAA से, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन अधिनियम। आज शाम इसे जारी कर दिया गया, अधिसूचना जारी कर दी गई है। देश में CAA लागू हो गया है। 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित किया गया, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी। उसके बावजूद 5 साल लगे पारित होने में, 5 साल लगे अधिसूचना जारी होने में। दरअसल नियम बनते हैं, नियम कानून बनते हैं, रूल्स का दायरा बनता है, कानून है, कानून को लागू कराने के लिए, कानून को मुहैया करने के लिए, उसे आसान करने के लिए तरीके तरीके से कवायद किए जाते हैं, जिसके बाद आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक तरफ जहां CAA की अधिसूचना जारी हुई, वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ तो स्वागत किया जा रहा है, दूसरी तरफ विरोध भी हो रहा है। विरोध होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि कई लोगों की दाल नहीं गल पा रही है, तो विरोध उस बात का है और सहयोग इस बात का है, स्वागत इस बात का है कि वो लोग जो तीन मुस्लिम देशों में माना जा रहा है, जहां सरिया कानून लगा हुआ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीन देशों में जिन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो और बौद्ध हो, ये 6 धर्म के लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इस बीच CAA लागू होने की घोषणा के बाद ही दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। न्यूज 11 की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फोर्स जो है वो पैदल मार्च कर रही है, सुरक्षा बढ़ाई गई है, स्पेशल ब्रांच के इसके इनपुट बढ़ाए गए हैं, खुफिया विभाग को सक्रिय किया गया है, क्योंकि एक खास तबका जो है इसका काफी दिनों से, सालों से विरोध कर रहा है। विरोध के कई कारण हैं, विरोध के जो सबसे बड़े कारण निकलकर सामने आए हैं वो ये है कि इस अधिनियम में मुस्लिमों को अलग रखा गया है, इस अधिनियम से मुस्लिमों को अलग रखा गया है, जिसको लेकर विरोध के स्वर तल्ख हैं, विरोध सख्त हो रहा है। लेकिन सरकार का मानना है कि चूंकि ये तीन देश जो हैं वो मुस्लिम बहुल देश हैं, मुस्लिम प्रधान देश हैं, वहां सरिया कानून चलता है, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो वहां पर मुस्लिमों को पीड़ित में या अल्पसंख्यक में नहीं माना जा सकता, यही कारण है कि भारत में उनको नागरिकता नहीं दी जा सकेगी। बड़ा मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। 2019 से कवायद चल रही थी, 2024 में जब चुनावी वर्ष है, लोकसभा के चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस समय में CAA की अधिसूचना जारी होना बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। देखिए क्या कहते हैं बीजेपी के लोग। अधिनियम 2019 आज भारत सरकार ने उसे नोटिफाइड कर दिया है। मैं भारत की सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा था कि सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से प्रताड़ित वैसे नागरिक जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हैं, उसे तमाम हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई को अगर वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो आवेदन करें। और जो 2014 के पहले देश में आ गए थे, देश की आज़ादी के बाद ही धार्मिक उत्पीड़न के कारण उनका निर्वासन हुआ और वो लगातार अमानवीय परिस्थितियों में भारत के अंदर शरणागत थे, शरणार्थी बन के रह रहे थे, ऐसे आम नागरिकों के जीवन में उत्थान के लिए संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, क्योंकि भारत का संविधान हमारे लिए मानवीय दृष्टिकोण के माध्यम से मानव संशोधन अधिनियम 2019 प्रस्तुत किया था। कोविड के कारण इसे लागू करने में देरी हुई और जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि वे इस चुनाव के पहले हम इसको जरूर लागू करेंगे, आज वह कानून लागू हुआ। सुना आपने क्या कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, स्वागत कर रहे हैं CAA का, कानून का स्वागत है, निश्चित तौर पर भाजपा स्वागत करेगी। लेकिन झारखंड की बात करें तो इस कानून के अधिसूचना जारी होने के साथ ही
झामुमो और कांग्रेस ने अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं। सुनिए क्या कहा झामुमो और कांग्रेस ने। का कोई जरूरत नहीं है, जो स्वेच्छाचार होगा मोदी जी का और शाह जी का उसको मानना पड़ेगा, जिसको गुलाम बनकर रहना है वो इस देश में रहे, यहां की नागरिकता अब सबके लिए समाप्त की जाती। ये सीए का नोटिफिकेशन उसी दिशा में एक कदम। तो बता रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य साहब की आजादी समाप्त हो गई है नोटिफिकेशन के साथ ही। कितना समझ पाए हैं सीए को, कितना और समझना है, कितना जानना होगा, कितना भाजपा को बताना होगा, अपने लोगों को, देश के लोगों को यह समझाना होगा कि सीएए क्यों जरूरी है। एक बार चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे सहयोगी भावना हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, जमशेदपुर से मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भावना, पहला सवाल, लोकसभा के ठीक पहले सीएए का मास्टर स्ट्रोक। बिल्कुल आपने सही कहा अभिषेक कि इसे सीए को आप ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में ही ये पूरा कानून के तौर पर तैयार हो चुका था बनके, यहाँ तक कि राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन 2024 के चुनावों का जैसे ही बिगुल बजा तो आप ये देखिए कि कैसे भाजपा ने अपना मास्टर स्ट्रोक फेंका और सीए के जो अधिसूचना है वो जारी कर दी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे मामले को लेकर बात कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता है ऋषभ तिवारी मेरे साथ, मुझे लगता है कि अभिषेक जी बिल्कुल समय ना गवाते हुए डायरेक्ट इनसे ही बात करते हैं और समझते हैं कि सीए का जो पासा फेंका गया है बीजेपी की तरफ से, जो मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए, सभी लोग इसको कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगे इस पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले तो ये पासा कोई नहीं फेंका गया है, देश के उत्थान के लिए और देश हित के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार कार्य कर रही है, उसी के स्वरूप में ये भी एक कार्य है। और चुनाव की घोषणा देकर हम कोई योजना नहीं बनाते, और चुनाव की घोषणा भी हुई भी नहीं है। तो ये नियमित तौर से चलता हुआ आया, राष्ट्रपति महोदय जी के पास था और उन्होंने इस पे अपनी तरफ से कार्रवाई की है और सरकार के तरफ से पूरी कानूनी तौर से कार्रवाई हुई है। कोई बीजेपी ने अपना कमल फूल लगा कर ये तो लागू नहीं किया है, भारत सरकार ने लागू। लेकिन वही कांग्रेस के बड़े लीडर है, वो आप लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, जयराम नरेश। उनका कहना है कि चुनाव का वक्त आया तभी जो है सीए याद आया, यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि इसका फायदा किसी विशेष वर्ग को पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष को ना राजनीतिक कब्ज हो गया है, इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि कुछ भी अगर हो जाए तो वो आरोप करना ना तो भूलते हैं ना किसी भी तरह की टीका टिप्पणी से वो अपने आप को बचाते हैं, इसलिए उनका हाल ही ऐसा है। राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो भी उनमें चुनाव दिखता है, सीए आ रहा है तो भी चुनाव दिख रहा है। सीए की प्रक्रिया कोई आज तो नहीं आई, हम तो कब से ये मांग उठा रहे हैं और क्यों ना उठाएं। झारखंड का सबसे अच्छा चैनल News11 है, काफी लोग उस पर विश्वास करते हैं। पाकुड़ के अंदर जिस तरीके से घुसपैठ हो रहा है उस पर तो कोई विपक्ष नहीं बोलता, जिस तरीके से वहां पे कन्वर्जन हो रहे हैं उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। पाकुड़ के अंदर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, आलमगीर आलम उनके वहां के वरिष्ठ मंत्री हैं, वो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया। जिस तरीके से वहां पे माइंस पे अवैध कब्जा किया जा रहा है उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन देश हित के लिए अगर कुछ हो रहा है तो ये सारे खड़ा होकर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। इसलिए देश की जनता, झारखंड की जनता इनके राजनीतिक पे क्वेश्चन मार्क लगाएगी। जी अभिषेक जी, भावना, ऋषभ अभी बता रहे थे कि फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, पाकुड़ साहिबगंज की बात बता रहे हैं। सीएए लागू होने से 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए थे उनकी नागरिकता क्लियर हो जाएगी, उनको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो लोग फर्जी आधार कार्ड बना चुके हैं, फर्जी आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं, झारखंड जैसे शहर में भी रह रहे हैं, 10 साल पहले भी खुलासा हुआ था कई लोगों ने फर्जी पासपोर्ट बना चुके हैं, आखिर उनको कैसे हटाया जा सकेगा, उनको कैसे निकाला जा सकेगा, क्या प्रावधान है? क्योंकि इसमें सीएए में अमेंडमेंट करने का तो प्रावधान है लेकिन हटाने का तो कोई प्रावधान नजर नहीं आ रहा। चलिए, भावना के साथ हमारा संपर्क छूट गया, फिलहाल मनोज का रुख करते हैं। मनोज, जमशेदपुर कैसे स्वागत करता है सीएए का? मिश्रित आबादी है, भाजपा के भी समर्थक हैं, कांग्रेस के झामुमो का भी गढ़ है, चंपई सोरेन भी जमशेदपुर चाईबासा से आते हैं, कैसे स्वागत करता है सीएए का? सीएए को लेकर क्या चल रही है चर्चा शहर में? देखिए, निश्चित तौर पे सीएए को लेकर जो
पहले से, हालांकि 5 साल पहले जब इसको लेकर जब केंद्र सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, तो उस समय हाय तौबा मचा था और उस समय लग भी रहा था कि आखिर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक वक्त बीता और वक्त के बाद धीरे धीरे लोग जो है कुछ ना कुछ, जो ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं ना कहीं समझ गए हैं, और इसी का नतीजा है कि आज नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया जो है इस शहर में नहीं दिख रही है, ना तो कोई व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है और ना कोई व्यक्ति इसका स्वागत कर रहा है। ये सीधे तौर पे कि जो एक प्रक्रिया होता है, कानूनी प्रक्रिया होता है, जो सरकार और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार जो लागू करती है तो लागू हो गया, लेकिन जगह जगह जो कुछ चर्चाएं सुनने में आ रही है, दो चार चौक चौराहा पर हमने देखा है कि कुछ लोग जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो ज्यादातर इसका इस पर ध्यान देते हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग, आम लोगों को मतलब नहीं रहता क्योंकि मजदूरों का शहर है ये, लेकिन जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो इतना जरूर कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे कि जिन लोगों ने फर्जी कार्ड बनाने हैं, क्योंकि जमशेदपुर का जो इलाका है वो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर का इलाका है और बांग्लादेश का ये रास्ता है, तो बांग्लादेश जहां एक तरफ साहेबगंज है तो दूसरी तरफ जमशेदपुर है, तो ये बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ जाता है, बंगाल का बॉर्डर पड़ता है, जो बांग्लादेश से लोग आते हैं, तो वैसे लोग जहां आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिन लोगों ने फर्जी तरीके से कार्ड बना ली है, तो उनका कैसे होगा? तो निश्चित तौर पे जो जांच की जो प्रक्रिया होगी, जो बड़े अधिकारी होंगे वो निश्चित तौर पे वो जांचेंगे, और जांचने के बाद वो 2014 से पहले अगर वो आए, 2014 के बाद अगर आए हैं तो उनके लिए भी समस्या है, 2014 से पहले आएगा जो वास्तव में वो भारतीय है तो उनको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका पूरे खानदान को खानदान में कोई ना कोई ऐसा उनके पास कागजात होगा या उनके पास जमीन होगा। मनोज भावना हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, उनके साथ प्रवक्ता है भाजपा के बने हुए हमारे साथ, राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश बने रहिएगा, मनोज बने रहिएगा हमारे साथ, एक बार भावना का रुख करते हैं। भावना, पोर्टल तैयार हो गया है, नए एप्लीकेशन आएंगे, नए आवेदन आएंगे, गृह मंत्रालय जांच करेगा, जांच के बाद नागरिकता प्रदान की जाएगी, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जैसा अभी अभी बता रहे थे ऋषभ जी कि जिन लोगों ने फर्जी कार्ड बनाए हुए हैं, जो देश में पिछले 10-15 सालों से रह रहे हैं, कई तरह के पासपोर्ट बना चुके हैं, आधार कार्ड बना चुके हैं, राशन कार्ड बना चुके हैं, आखिर इनको पहचानने के लिए क्या प्रावधान होगा और क्या प्रक्रिया होगी? बिल्कुल, ये सीधा सवाल हम बीजेपी के प्रवक्ता पर जो है टॉस करते हैं। ऋषभ, आपसे सवाल जो है हमारे जो एंकर है अभिषेक वो पूछना चाह रहे हैं ताकि झारखंड की जनता भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ सके कि जिन लोगों के फर्जी आधार कार्ड बने हैं, जो लोग 2014 से पहले जो है रह रहे हैं लेकिन फर्जी आधार कार्ड बना के, उनकी छटनी कैसे की जाएगी? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और केवल न्याय यात्रा निकाल लेने से लोगों को न्याय नहीं मिलता, ये वही सरकार है जिनको इंसाफ मिलना चाहिए, उसे इंसाफ भी मिलेगा और जो देश के लिए गद्दार है उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, अगर आप इस देश के नागरिक रहे हैं और संवैधानिक तरीके से अगर रहे हैं तो आपके दादा भी यहाँ होंगे, परदादा भी यहाँ होंगे, या और भी आपकी कुछ जानकारियां होंगी, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जब ये सरकार इंप्लीमेंट की है तो वो सही डाटा को भी निकाल कर लाएगी। आप कहना चाह रहे हैं कि छटनी की जा सकती है? देखिए, इस पे धरातल पे जब इम्प्लीमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस पे स्क्रूटनी भी होगी, अगर आप सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है लोगों के द्वारा, तुम यहां से निकाल दिए जाओगे, तुम यहां से निकाल दिए जाओगे, एक भी भारतीय यहां से नहीं निकला जाएगा, जो इस भारत का है वो रहेगा, लेकिन जो इस भारत का अवैध रूप से अभी छुपकर गैर भारतीय को जागरूकता कराने के लिए और गैर भारतीय एक्टिविटीज में जो रहे हैं, जो देशद्रोही एक्टिविटीज में रहे हैं, उनको तो डर रहेगा और वो रहना भी चाहिए। भावना, ये मानकर चले, ऋषभ से पूछिए, ये मानकर चले कि CAA के बाद अब अगला स्टेप एनआरसी की तरफ बढ़ रहे हैं, भाजपा का अगला स्टेप कहीं ना कहीं एनआरसी है, क्योंकि छटनी की बात आएगी जब आप पहचानने निकलेंगे करोड़ों की भीड़ में, तो निश्चित तौर पर रजिस्टर तो बनाना पड़ेगा आपको। देखिए अभिषेक, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम असम को क्यों ना ले, जहां पर एनआरसी लागू होती है और उसके बाद क्या हालात बनते हैं। लेकिन फिलहाल, क्योंकि अब आपने सवाल पूछा एनआरसी का, अभी ये सवाल हम भाजपा प्रवक्ता से पूछने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अभिषेक कि वो किस्सा भी आपको याद होगा जब बाबूलाल मरांडी ने चीज का जिक्र किया था कि झारखंड का भी कुछ इलाके ऐसे है जहां पर जरूरत है CAA एनआरसी की, जहां पर जरूरत है इसे लागू करने की, ऐसे में 2019 में इस पर कानून बनता है, आज इस पर अधिसूचना जारी हो जाती है और इसको लेकर जो है कहीं
कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपनी पीठ थपथपाती है कि मैनिफेस्टो में जिन बातों का जिक्र किया उसे धरातल पर उतारा, लेकिन फिलहाल क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ लगातार हमारे तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सीएए आ चुका है तो क्या पूरे भारत में एनआरसी भी लागू हो सकता है? देखिए, ये तो भविष्य का विषय है, लेकिन इस देश में वो हर कुछ होगा जो भारत के उत्थान के लिए हो। ये हमारी सरकार है जिन्होंने भारत के संस्कृति का भी उत्थान किया राम मंदिर बना के। और मैं संथाल परगना से आता हूँ और बड़ी तकलीफ होती है जब मैं पाकुड़ की ओर जाता हूँ, सुंदर पहाड़ी की ओर जाता हूँ। ये सरकार अपने आप को जनजातियों का उत्थान करने वाली सरकार बताती है, हेमंत सोरेन जी की, लेकिन इन्होंने केवल उनको सुनाने का काम किया है, उनसे सुनने का काम नहीं किया है। और इसी का नतीजा है कि पाकुड़ हो, गोड्डा के कुछ इलाके हो, सुंदर पहाड़ी हो, चाहे राजमहल हो, भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी वहां पे घुसे हैं और इनको संरक्षण देने का काम कौन लोग कर रहे हैं वो भी सामने आएगा। लेकिन इसी सवाल को जो है हमारे एंकर जो स्टूडियो में बैठे हैं वो भी पूछ रहे हैं और देश की जनता भी जानना चाहती है, झारखंड की जनता भी जानना चाहती है कि ऐसे घुसपैठिए जो कि पहले ही आधार कार्ड बना चुके हैं, क्या उनकी छटनी हो पाएगी या फिर उनको भी कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का फायदा मिलेगा जिसका नुकसान वहां के आम लोगों को होगा? जो भी यहां के नागरिक रहे हैं या जिनका बाद में आधार कार्ड बना है उस सबका स्क्रूटनी होना तय है। और ये स्क्रूटनी उन लोगों को नुकसान नहीं देने वाला जिसके दिल में भारत है, जो भारतीय हैं, उन लोगों की तड़प जरूर बढ़ाएगा जो भारत में रह के ही कहीं और का गुणगान करते हैं और यहाँ के नहीं हैं। तो ये तो सवाल उनको चिंता करने का विषय है, लेकिन इस पे किसी भी धर्म को डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई ये धर्म विशेष कानून नहीं है, ये भारत के उत्थान के लिए, भारत की पहचान के लिए और भारत की मजबूती के लिए कानून है। अभिषेक, अगर समझे तो ये नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं। बिल्कुल, ये भाजपा के तमाम बड़े नेता भी बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इसी बात पर आने वाला था कि नागरिकता देने वाला कानून है, लेकिन नागरिकता दी जाएगी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध को। सवाल तो यही से खड़े होते हैं। भावना, बने रहिएगा हमारे साथ, ऋषभ को भी रोक कर रखिएगा, संथाल परगना से है, झारखंड को काफी नजदीक से जानते हैं। बहुत अच्छी बात कही, सुंदर पहाड़ी, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ की बात बता रहे हैं। निश्चित तौर पर बाबूलाल मरांडी ने भी एनआरसी की और सीएए की मांग की थी। एक बार अभी उनसे पूछेंगे, जानेंगे भी कि ममता बनर्जी को आखिर क्यों इसका विरोध करना पड़ रहा और ममता बनर्जी क्यों विरोध करी। पहले रुक करते हैं राकेश का। राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, झामुमो ने आज खुलेआम कह दिया है, सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि यह भाजपा की गुलामी करने वाला कानून है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए इसकी टाइमिंग को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सामने लोकसभा के चुनाव हैं और उससे पहले इसे लागू किया गया है, तो उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष को संशय है। विपक्ष को लगता है कि राजनीतिक लाभ के लिए, सियासी नफा नुकसान को देखते हुए बीजेपी ने यह बड़ा कदम उठाया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया और जिस तरीके से SBI ने समय मांगा था और जो याचिका लगाई थी उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और यह कहते हुए कि आपको कल के कल आपको इसकी जानकारी देनी है और 15 तारीख तक वेबसाइट पर डाल भी देना है। तो वो एक हेडलाइन था, वो एक खबर थी, लेकिन अब चूंकि उससे बड़ी चीजें यहां आ चुकी है, सीए जो आज से नोटिफाइड हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चीज पीछे छूट जाए तो उसको लेकर भी विपक्ष इसको उस नजरिए से भी देख रहा है। और सबसे अहम जो है वो इसके टाइमिंग को लेकर देख रहा है, उसको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसको लागू करने का मतलब है कि देश में ध्रुवीकरण करना और उसका सियासी लाभ बीजेपी लेना चाहती है। तो ये नजरिया है विपक्ष का। हालांकि बहुत जो पार्टियां हैं खुलकर अभी इसके पक्ष में कुछ कहने से बच भी रही है, उनको लग रहा है कि पहले सारी चीजें क्लियर हो जाए, देख लिया जाए कि इस पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और उसके बाद ही वो कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो या कांग्रेस की बात हो, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इन बातों का जिक्र किया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस कदम को फिलहाल बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। राकेश, संथाल को झामुमो अपना अभेद्य किला मानता है, झामुमो अपना गढ़ संथाल को मानता है और निश्चित तौर पर सीएए एनआरसी की जब भी बात होती है, संथाल परगना की बात होती है, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज की बात होती है। कई बार सिस्टम ने भी उंगलियां उठाई हैं, कई बार खुलासे हुए हैं कि कई फर्जी पासपोर्ट बनाए गए हैं, कई लोग पकड़े गए हैं, घुसपैठिए पकड़े गए हैं, बावजूद इसके झामुमो ही नहीं चाहता कि सीएए लागू हो जबकि संथाल सबसे ज्यादा प्रभावित है। नहीं देखिए, वो वोटर हैं क्योंकि जो फर्जी तरीके से बांग्लादेश से घुसकर पाकुड़ के रास्ते जो आए
और वो अब यही के हो गए हैं। आप देखेंगे उनके पास बकायदा राशन कार्ड है, उनके पास पहचान पत्र है, उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो वो लोग वोट कास्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वोटर है और ये वोटर गड़बड़ा ना जाए उसको लेकर ये विरोध है। और ये खबरें लगातार आती है कि रोहनिया मुसलमान हो या बड़ी संख्या में जो है वो बांग्लादेश के रास्ते पाकुड़ होते हुए हमारे प्रदेश में मौजूद हैं, इसको लेकर इंटरनल सर्वे भी राज्य सरकार के स्तर से हुए हैं और ये जानकारी राज्य सरकार के डोमेन में भी है, लेकिन इसको लेकर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। बार बार जो यहाँ विपक्ष में बैठी बीजेपी है वो कहती रही है कि यहाँ मिनी NRC लागू होना चाहिए, चाहे आप बाबूलाल की बात कर ले या दूसरे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि खास तौर पर संथाल परगना में मिनी NRC की जरूरत है। ये भी कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि अगर 24 में वो सत्ता में आते हैं, प्रदेश में अगर उनकी सरकार बनती है, तो पहली जो कोशिश होगी बीजेपी की वो यही होगी कि इन जो संथाल परगना का जो इलाका है, जो साहेबगंज पाकुड़ जामताड़ा इनको जो टच करता है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां मिनी NRC लागू किया जाएगा। तो ये चीजें हैं, पब्लिक डोमेन में है, सरकार की नजरों में है, लेकिन इसको लेकर कोई एक्शन अभी तक इसलिए नहीं हो पा रहा है अभिषेक। सब कुछ वोट बैंक है और ये वोट बैंक के खातिर ही ये सारी चीजें जो है वो फल फूल रहा है। उनको लगता है कि एक बड़ा तबका जो है वो कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों को मदद पहुंचाता रहा है, वहां से जो प्रत्याशी जीत कर आते रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इन वोटरों का लाभ मिलता रहा है, सहयोग मिलता रहा है। तो यही वजह है कि सत्ता में चाहे जो भी रहे हों उन्होंने अभी तक इसको लेकर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये दावे जरूर किए जा रहे हैं मौजूदा वक्त में कि 24 में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो खास तौर पर संथाल परगना में मिनी NRC लागू की जाएगी। अभिषेक चलिए रुक करते एक बार, अजय लाल भी हमसे जुड़े, बने रहिएगा राकेश हमारे साथ। अजय लाल का रुक करते, अजय चुनाव के ठीक पहले देश की और खासतौर पर झारखंड की आबो हवा बदलने लगी है। CAA नोटिफाइड हो गया, अधिसूचना जारी कर दी गई, झामुमो खुलकर विरोध में आ गया। अभी राकेश ने बहुत बड़ी बात कह दी कि वोट बैंक है, तो क्या यह माना जाए कि भाजपा का CAA लागू करना यह मास्टर स्ट्रोक सीधे सीधे वोट बैंक पे सेंधमारी है? देखिए अभिषेक, कहीं भी किसी कानून में यह नहीं लिखा हुआ है कि चुनाव के ऐन वक्त पर कोई अधिसूचना जारी नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी यदि राजनीति में है तो उसे राजनीति करने का पूरा अधिकार है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव में जा रहे हैं, MP का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो पूरा पूरा अधिकार उनको है कि वो अपने तर्कस के तमाम तीर का प्रयोग करें, चाहे वो CAA हो या फिर राम मंदिर हो या फिर कोई अन्य कानून हो, पूरा अधिकार है। हाँ, ये दूसरी बात है कि इस मुद्दे पर राजनीति होगी और इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है कि ये चुनाव के पहले वोटरों को साधने की कोशिश है। तमाम पार्टियां जो सत्ता में रहती है वो अपनी क्षमता के अनुसार वोटरों को साधती है, चाहे राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें। अब सवाल है कि इससे फायदा किसको होगा? जाहिर सी बात है, ऐसे लोग जो वर्षों से भारत में रह रहे हैं, दूसरे देश के नागरिक हैं, यहाँ की नागरिकता के उन्होंने अप्लाई कर रखा है, ऐसे लोगों को नागरिकता मिलेगी। और इस मुद्दे पर सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि कांग्रेस को अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि इस मुद्दे का यानी कि CAA का, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का, वो विरोध करे या फिर स्वागत करे। अब से थोड़ी देर पहले प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरी बातचीत हो रही थी, हमने उनसे सीधा सवाल पूछा कि आप टाइमिंग को छोड़ दीजिए, यदि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में टाइमिंग तो मास्टर स्ट्रोक की टाइमिंग है। अगर राजनीतिक दल को देखे, राजनीतिक नजरिए से देखे तो मास्टर स्ट्रोक की टाइमिंग है। चुनाव के पहले अबुआ आवाज में भी करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लगातार किस्त जारी की जा रही है, तो टाइमिंग को लेकर तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते ही रहेंगे। सर्वजन पेंशन लागू हुआ इस राज्य में, वही मैं कह रहा था अभिषेक कि तमाम पार्टियों का ये अधिकार बनता है कि वो मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं चुनाव के पहले, और यही भारतीय जनता पार्टी ने भी किया और यही राज्य की सरकार ने भी किया। अभी कल ही सर्वजन पेंशन लागू कर दिया गया इस राज्य में, यानी कि ऐसे लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, 50 वर्ष की अवस्था हो गई तो उनको पेंशन दिया जाएगा। यह भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल उठा सकते हैं कि भाई अभी क्यों? जाहिर सी बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी यह अधिकार है
कांग्रेस को भी अधिकार है कि वो अपने वोटरों को साधे। वही काम भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है कि अपने वोटरों को साधने की कोशिश की है। अब ये सवाल उठता है कि टाइमिंग को लेकर, जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर राजनीति गर्म होगी ही, कांग्रेस ने इसका टाइमिंग को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस ये नहीं कह रही है कि इसका मैं विरोध करूंगा। हमने पूछा कि क्या आप सत्ता में आएंगे तो इसको वापस करेंगे, कहा कि नहीं, मैं टाइमिंग पर सवाल उठा रहा हूं। और बात करते करते वो लोग इलेक्शन जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है उस पर चले गए। मतलब यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर केंद्र की सरकार ने, एक ऐसा तीर चला है अपने तर्कस का जिसका जवाब खोजने में विपक्ष के नेताओं को वक्त लगेगा कि इसका स्वागत करें तो किस मुंह से स्वागत करें, और यदि विरोध करें तो क्यों विरोध करें। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि अगले वाले एक दो दिनों में आचार संहिता लागू होने जा रही है, लिहाजा ये मास्टर स्ट्रोक, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मास्टर स्ट्रोक है, और मास्टर स्ट्रोक चलने का अधिकार तमाम पार्टियों को है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। निश्चित तौर पर चुनाव नजदीक है अजय, चुनाव नजदीक है तो मास्टर स्ट्रोक तो लगाए ही जाएंगे और लगाए ही जा रहे। एक बार रुक करते मनोज का, बने रहिएगा अजय आप और राकेश समाचार, मनोज का रुक करते। मनोज, भाजपा का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, बावजूद इसके 2019 में जब से सीए पारित हुआ है सदन में, 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी, उसके बाद रूल्स बनाने पड़ते हैं, तरह तरह के कानूनों का, कानून के अनुपालन के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए गए, वेब पोर्टल पर उसका तैयार किया गया, वेब पोर्टल आज जारी भी कर दिया गया। लेकिन इस बीच 5 सालों तक पिछले भाजपा मुस्लिमों को भी अपने विश्वास में लेने का प्रयास करती रही, हालांकि विरोध के तेवर कभी धीमे नहीं पड़े। सीएए को लेकर विरोध है, पूर्वोत्तर राज्यों में इसलिए विरोध है कि आप हिंदुओं को अगर नागरिकता देंगे तो हमारी धार्मिक और राजनीतिक धरोहर नष्ट हो जाएगी। ऐसे में भाजपा चुनावी वर्ष है, कितना साध पाएगी? अजय कह रहे हैं कि वोटरों को साधने का प्रयास है, कहीं ना कहीं तो वोट बैंक में सेंधमारी भी होगी, भाजपा के अपने वोट बैंक में भी सेंधमारी होगी, कैसे विश्वास में ले पाएंगे मुस्लिमों को और अन्य लोगों को? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाली जो स्लोगन है, उस स्लोगन को साधने का प्रयास भाजपा जरूर करेगी लोकसभा चुनाव में। जहां 400 पार का नारा चल रहा है, जहां देश के प्रधानमंत्री 370 खुद ब खुद कहते हैं कि 370 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का अपना सीट होगा, उनके जो अलायंस है वो 400 पार करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस बीच ये सीईए का नोटिफिकेशन जारी होना ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा वोट बैंक कहीं ये पूरी राजनीतिक चल रही है। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टी करती है, जब चुनाव आता है, चाहे हम राज्य की बात कर ले या देश की बात कर ले, हर पूरे देश की बात करें, जिस पूरे देश में जहां जहां राज्य में चुनाव हुआ, हर राज्य के जो सरकार थी वो अपने तरीके से लोगों को लुभाने के लिए कि जनता जो है मेरे पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो ये स्ट्रोक खेला गया वो निश्चित तौर पे, क्योंकि जब 5 साल पहले खेला था तो बवाल हुआ था, और 5 साल तक इंतजार करने के बाद अंतिम क्षण में जब वो वक्त, जब इसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके बाद सीधे आचार संहिता लागू होगा, उसके बाद न राजनीतिक पार्टी सड़क पे आएगी, न ही कोई इसका विरोध करेगा। अगर विरोध करना है तो चंद घंटा ही उनके पास समय बचा हुआ है, लेकिन उस विरोध का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे ये फायदा लेना चाहती है कि जो हिंदू वोट है वो एक तरफ आ जाए, मुस्लिम वोट में सेंधमारी भी हम कर लें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो गए वो भारतीय जनता पार्टी को प्रिय पर कर रहे हैं, वही जो कुछ बहुत ऐसे मुसलमान हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो देश के विकास की बात अगर जहां तक आता है तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो विश्व के पटल पर भारत के मानचित्र को जो इन्होंने दर्शाया है, तो इसके लिए वो मुसलमान जो है वो उनके पक्ष में आ सकते हैं। जहां महिलाओं की बात करें, जो मुसलमान की महिलाएं हैं वो एकदम साइलेंट वोट करती है, जो तीन तलाक जो कानून था उसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। तो ये सब का आंकड़ा देखते हुए बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो सीधे तौर पर खेला है कि जो हिंदू है वो पूरे एक तरफ आए, और जो मुस्लिम वोट और साथ साथ जो माइनॉरिटी के साथ साथ अन्य जो वोट है उसमें कहीं ना कहीं हम सेंधमारी कर पाए, और जब सेंधमारी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेरा पलरा भाली होगा। तो यही कारण है कि इन्होंने ऐसे समय में ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया जब वक्त नहीं है। जी, स्ट्रोक है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। एक बार रुक करते हैं राकेश का, राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश,
सीएए को लेकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड की राजनीति को आप समझते हैं, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर वोट कास्ट करने का मैटर बहुत बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि इस मामले को लेकर विरोध तूल पकड़े। क्या लगता है संथाल पर कैसा असर डालने वाला है आज का नोटिफिकेशन? क्या विधि व्यवस्था को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? राजनीतिक रंग दिया जा सकता है? देखिए बिल्कुल इस बात की आशंका है अभिषेक, और आपने देखा होगा कि देश के कई राज्यों में जो सेंसिटिव एरिया है, दिल्ली एनसीआर हो या उससे सटे हुए जो इलाके हैं, खासतौर पर बंगाल हो, इन तमाम जगहों पर जो है वो सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तो ऐसी संभावना यहाँ भी है, जो सटे हुए जो इलाके हैं जो कि बांग्लादेश को कनेक्ट करता है, या साहेबगंज का इलाका हो, पाकुड़ का इलाका हो, ये तमाम जो ऐसे जगह हैं वहाँ हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें आने वाले दिनों में डेवलप हो। और जब यहाँ 2019 में जब इसे लोकसभा और राज्यसभा से जब इसे पास कर लिया गया था इस बिल को, और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि देश के तमाम हिस्सों में जो है वो विरोध तेज थे, विरोध हो रहे थे, और झारखंड भी इससे अछूता नहीं था। राजधानी रांची में भी तमाम जगहों पर सीएए को लेकर विरोध हो रहे थे, और विरोध का जो आवाज था वो लगातार तेज हो रहा था। महीनों से यहाँ लोग जो थे वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इस बार भी लेकिन तरीके की तस्वीर सीएए को लेकर जो है नागरिकता प्रदान करने वाली बिल बताई जा रही है, कानून बताया जा रहा, भाजपा कह रही है कि हम तो सीएए के तरफ से सीए लागू कर नागरिकता देंगे। आखिर नागरिकता छीने जाने का मुद्दा कहां से गर्म होकर आ जा रहा है? नहीं, उसमें दो बातें हैं ना अभिषेक। एक तो देखिए, दिसंबर 2014 से पहले जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी के जो लोग, जो पाकिस्तान में हो, जो अफगानिस्तान में हो, जो बांग्लादेश में हो, और जो चाहते हैं कि वो भारत लौटे और यहाँ की नागरिकता ले, उनके लिए तो दरवाजा खुला है, उनके लिए पोर्टल पर वो आवेदन कर सकते हैं और यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन वैसे लोग जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत में लंबे समय से रह रहे हैं, उनके लिए मुश्किल का ये वक्त है। या फिर वैसे लोग जो दस्तावेज तो जिनके पास सही थे और सही दस्तावेज के साथ वो आए भी थे, लेकिन दस्तावेज का जो समय सीमा था वो खत्म हो गया, बावजूद उसके वो अभी भी भारत में बने हुए हैं, तो उन लोगों को थोड़ी बेचैनी है, उन लोगों के सामने थोड़ी मुश्किल होगी कि अब वो क्या करेंगे। हालांकि वैसे चेहरों को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होगा सरकार के समक्ष। अब सरकार की मिशनरी क्या होती है, कैसे इन चेहरों को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो लोग कौन वैसे लोग हैं जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर हैं, कौन वैसे लोग हैं जिनके पास दस्तावेज तो सही है लेकिन उनका जो समय था दस्तावेज का, जो मान लीजिए जो वीजा था वो खत्म हो गया, उसके बाद भी वो रह रहे। तो ये तमाम चीजें हैं अभी, और इस पर बहुत सारी चीजें आगे आगे जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सामने लोकसभा के चुनाव है, तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो आपको कल की जो तस्वीर होगी, कई राज्यों से जो तस्वीर निकल कर आएगी, उसमें आप देखेंगे कि बहुत जगह पर इसको लेकर विरोध के स्वर जो है वो तेज होने लगेंगे, और झारखंड भी उससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ भी इससे पहले 2019 में जब इसे लागू करने की बात कही गई थी तो उस दौरान भी लगातार यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे। और ये देखना होगा कि क्या 2019 की तरह इस बार भी तस्वीर देखने को मिलती है या फिर तस्वीर थोड़ी बदली हुई नजर आएगी। अभिषेक, तौर पर राकेश, कहीं ना कहीं पूरे देश में और झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहेगा, झारखंड में भी राजनीतिक उठापटक की स्थिति तो आएगी ही, क्योंकि एजेंडा है वोट बैंक में सेंधमारी है। एक बार फिर दोहरा दूं आप लोगों को कि सीएए में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, सिर्फ ये छह धर्म के लोग होंगे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए होंगे। 31 दिसंबर 2014 के पहले से अगर देश में रह रहे हैं उनको नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज और दोहरा दूं कि सीएए के अंतर्गत अभी तक किसी भी मुस्लिम से उसकी नागरिकता छीने जाने की कोई प्रावधान छीने जाने का नहीं है। एनआरसी में जरूर प्रावधान आ जाता है, जब रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड बनेगा तब उस वक्त प्रावधान जरूर आएगा, जिसको लागू करने की बाबूलाल मरांडी मांग कर रहे हैं, भाजपा मांग कर रही है, और सीएए को पहली सीढ़ी मानी जा रही है कि इस सीढ़ी पर चढ़कर आगे एनआरसी की तरह भाजपा कदम बढ़ाएगी। बहरहाल झारखंड भी उठापटक के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है, क्योंकि विरोध के स्वर, विरोध के बिगुल फूके जा चुके हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।